हेलो गाइस, प्रियंका एंड वेलकम बैक टू दी चैनल डेली डिलाइट्स। एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आज है वेनसडे, और एज यूजुअल आज जो है सुबह की शुरुआत हो रही है ब्रेकफास्ट से। और आज ब्रेकफास्ट में है आलू चीला। तो अभी जो है ब्रेकफास्ट की क्वांटिटी और भी बढ़ चुकी है, क्योंकि रेव भी जो है वन पर्सन जैसे फुल ऑन मील उसका होता है वैसे ही उसका काउंट करना पड़ता है, और रीदा का भी। तो यहाँ से जो है मैंने चार जो आलू थे उसको स्लाइस कर दिया था, और फिर बेसन में मिला के सिंपल उसमें डाला था धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। तो बस वही मैं आलू और बेसन का चीला बना रही हूँ। और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद ये दोनों हो गए थे रेडी, और अभी रेहू जा रहा है स्कूल। गाइज वेरी गुड मॉर्निंग, और नॉट गुड मॉर्निंग, अभी बजने वाले हैं 12। और अभी तक जो है कुछ भी मैंने बनाया नहीं है, लंच बनाना अभी बाकी है, क्योंकि आज जो है बहुत ही लेजी वाली फीलिंग आ रही है। और रिदा की जो है एक नैप कंप्लीट हो गई है। तो आज है वेनसडे, और बहुत सारे काम जो मेरे पेंडिंग है, और उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा जो बैंक का एक काम है वो इतने दिनों से पेंडिंग है। और क्योंकि जो है रिदा का बर्थडे मंथ भी स्टार्ट हो गया है, तो उसकी भी साथ साथ में प्रिपरेशन चल रही है। तो सुबह सुबह तो जो है बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, और फिर लंच करने के बाद तो इतना ज़्यादा लेजी फील होता है। लेट्स सी आज का दिन कैसा जाता है। ऑलरेडी 12:30 बज गए हैं, और जो चना जो है मैंने भिगोने के लिए रखा था स्प्राउट्स बनाने के लिए, तो स्प्राउट्स जो है वो बन चुके हैं। सो लुक एट दिस, ये जो स्प्राउट्स बने हैं तो स्प्राउट्स जो है अगर आप ऐसे ही जो है चना वगैरह कुछ खाए और मूंग वगैरह और स्प्राउट्स बना के जो खाए तो उसकी जो क्या बोलते हैं उसमें जो प्रोटीन है वो और भी उसका इंक्रीज हो जाता है।
तो आज जो है मैं बहुत ही ज़्यादा लेज़ी मूड में थी, तो आज सिर्फ मूंग की दाल और राइस बने हैं लंच में। और फिर लंच करते करते यहाँ पे मैं देख रही हूँ मर्डर इन माहिम, क्योंकि बिट्टू और नीतू दोनों ने ये सीरीज़ देख ली है, मैं ही बाकी हूँ तो मैं अभी देख रही हूँ। Get up. रेहू को अगर थोड़ा सा भी चीज़ें इधर उधर हो, कुछ भी गंदा हो, उसे बिल्कुल पसंद नहीं, उसे हाई लेवल ऑफ OCD है। रेहू और अभी बज रहे 6 और रिदा जो है वो गई है घूमने, और अभी तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है बारिश होने के बावजूद भी, और भी मुझे लगता है कि हीट ज़्यादा बढ़ गई है। और हम लोगों ने जो नैप ली है नून टाइम में, जो है सिर्फ दाल चावल ही बने थे, तो दाल चावल खा के हम लोग जो सोए हैं, तो मैं तो 5 बजे उठ गई थी, ये दोनों जो है वो अभी अभी जस्ट उठे हैं नैप लेके। को भी चाहिए होती है, और हम जो है अलाव अभी नहीं करते रिदा को बाहर का खाने का, पर क्योंकि वो खाता है तो उसे भी चाहिए होता है, तो फिर उसे देना पड़ता है, तो उसी के लिए जो है मैं स्पेशली बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बटर की जगह घर का जो घी है वो यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने ले लिया है जैगरी पाउडर, और यहाँ पे ले लिया है घी, तो सबसे पहले तो जैगरी को जो है इसमें मिला के अच्छे से विस्क कर लेना है, ताकि इसमें जो है कोई लम्ब्स ना रहे।
अभी जो मिक्सचर हमने रेडी किया है जैगरी और घी का, तो इसमें मैं डाल रही हूँ गेहूं का आटा। और गेहूं का आटा जो है, मैं एक कटोरी मैंने जैगरी ली थी तो उससे जो है थोड़ा सा ज़्यादा गेहूं का आटा मैं यूज़ कर रही हूँ। और फिर उसमें जाएगा थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, पूरा एक चम्मच मैंने नहीं लिया है, उससे थोड़ा कम। और यहाँ पे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा वनीला एसेंस, 2-3 ड्रॉप। और यहाँ पे जो है ड्राई फ्रूट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स ऑलरेडी क्रश किए हुए मेरे पास ऑलरेडी फ्रिज में रखे हुए थे, तो उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। और बस यहाँ पे जो है इसको अच्छे से बाइंड कर लेना है। और यहाँ पे जो है घी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो मैं थोड़ा सा गेहूं का आटा और ऐड करूँगी ताकि बाइंडिंग जो है वो अच्छे से हो जाए। और इसको जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नहीं डो प्रिपेयर करना है, थोड़ा सा इसको हार्ड रखना है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था क्योंकि मेरा जो घी का प्रोपोर्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। और फिर जैसे ही जो डो रेडी हो जाएगा, यहाँ पे आपको कुकीज़ की जो है शेप दे देनी है। और यहाँ पे जो है मैंने जो शेप रखी उससे भी छोटी छोटी करनी है क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं था, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैं बड़ी बड़ी बनाकर जो है वो रख रही हूँ। छोटी छोटी शेप में बनाना है क्योंकि जैसे ये बेक होगा तो इसकी साइज़ जो है अभी जो दिख रही है उससे ज़्यादा और बढ़ेगी। और फिर यहाँ पे जो है मैं फोक से इसको शेप दे रही हूँ ताकि जो है दिखने में ज़्यादा अच्छे लगे। तो ओवन को जो है मैंने ऑलरेडी प्री हीट करके रखा था 180 डिग्री पे 5 मिनट्स के लिए। जब भी आप कुछ भी बेक करें ऑलवेज़ ओवन को जो है प्री हीट करके ही रखें। और इसे जो है मैं 180 डिग्री पे रख रही हूँ सिर्फ 10 से 12 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं रखना है वरना जो कुकीज़ है वो बर्न हो जाएगी। तो कुकीज़ जो है वो हो गई है रेडी।
और अभी बज रहे 8:30। तो हम लोग जो है जा रहे डिनर के लिए बाहर। हाँ मम्मा गड़िया पे। तो गाइस वी आर बैक, घर पे आ गए हम लोग और अभी बज रहे 10:30। रीडो नो। तो इस व्लॉग को जो है बस यही पे एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।